हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईडीएस। मेरा नाम रूपांशी भारद्वाज है और हम पढ़ रहे थे हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। हमने रेनेसां पीरियड कंप्लीट कर लिया था, आई मीन लास्ट के टू पार्ट्स रहते थे इसके। प्यूरिटन एज जिसे हम कहते हैं, कैरोलाइन एंड कॉमनवेल्थ। जिसने भी प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी वो प्लेलिस्ट देख सकता है। ये मेरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस हैं। अच्छा, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्लासेस होती हैं हमारी ईडीएस ऐप पर और ईडीएस चैनल पर। ये ETS ऐप पर सर का पेड बैच चल रहा है इंग्लिश ग्रामर का। जिसे भी इंग्लिश ग्रामर पढ़नी है वो ETS ऐप डाउनलोड कर सकता है प्ले स्टोर से। बाकी इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। 4 बजे GS की क्लास होती है फाखरा मैम की, 5 बजे मेरी क्लास होती है लिटरेचर की और 6 बजे मैथ्स की क्लास होती है मैम की। ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है इंग्लिश बाय टाइगर सर, उसका लिंक है ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं ग्रुप। बाकी आप टेलीग्राम पे जाकर सर्च करेंगे इंग्लिश बाय टाइगर सर तो भी आपको ये ग्रुप मिल जाएगा। और ये हमारा प्ले स्टोर पे आपको ऐप का लिंक मिल जाएगा, ETS ऐप, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। हम पढ़ रहे थे हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, जिसमें हमने कौन कौन से एरा कंप्लीट कर लिए थे। द ओल्ड इंग्लिश, मिडल इंग्लिश, रेनेसां, जो रेनेसों के पार्ट से एलिजाबेथियन कंप्लीट हो गया था, जेकोबियन हो गया था। आज हम करेंगे कैरोलाइन एंड प्यूरिटन एज। कैरोलाइन एंड कॉमनवेल्थ ही हमारा प्यूरिटन एज में ही आता है। जिसने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा, आपको सब टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे। तो आज हम पढ़ेंगे कैरोलाइन एंड कॉमनवेल्थ पीरियड के बारे में। अच्छा, मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था जेकोबस से, जो जेकोबस वर्ड है लेटिन का, उससे जेकोबियन वर्ड बना था, जो किसके लिए था, जेम्स वन के लिए। जो हमारे जेम्स सिक्स से स्कॉटलैंड के, वही हमारे जेम्स फर्स्ट बने थे इंग्लैंड के। ये मैंने आपको प्रीवियस क्लास में अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। ऐसे ही जो हमारा कैरोलाइन है ये एक लेटिन वर्ड था कैरोलिस, कैरोलिस, उससे हमारा क्या वर्ड बना है, कैरोलाइन। और ये किसके लिए है, ये था चार्ल्स वन के लिए। चार्ल्स वन, जो किंग चार्ल्स वन थे, ये उनका एरा था, इसमें उन्होंने रूल किया था। 1625 में चार्ल्स वन गद्दी पर बैठे थे, 1649 में उनको बीहेड कर दिया गया था, उनको मरवा दिया गया था प्यूरिटन्स ने। किसने मरवाया था, ओलिवर क्रॉमवेल। आपने ओलिवर क्रॉमवेल का नाम सुना होगा, ओलिवर क्रॉमवेल, जो रॉबर्ट क्रॉमवेल थे उनका तो सुना होगा, उनके फादर हैं ओलिवर क्रॉमवेल। ये क्या थे, प्यूरिटन थे ये। तो इंग्लैंड में इस टाइम पे क्या हुआ था, प्यूरिटन सोच और विचारधारा आ गई थी। कि क्या कहते थे ये लोग, प्यूरिटन्स कहते थे प्लेजर इज अ सिन। प्लेजर को वो क्या समझते थे, सिन समझते थे, एंड सिन इज प्लेजर। और सिन क्या है, प्लेजर है, प्लेजर सिन है, सिन प्लेजर है, ये इनकी विचारधारा थी। तो इन्होंने क्या किया था, प्यूरिटन्स ने मिलकर जो कैरोलाइन यानी कि चार्ल्स वन थे उनको मरवा दिया गया, उनको मार दिया था, बीहेड कर दिया गया था। ये अभी हम आगे डिस्कस करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। बेसिकली कॉमनवेल्थ पीरियड में प्यूरिटन्स का राज दिखाया गया है एंड कैरोलाइन एज में चार्ल्स वन के बारे में दिखाया गया है। अब ये आपने जॉन मिल्टन का नाम तो सुना होगा, इस एरा को हम एज ऑफ मिल्टन भी कहते हैं। अच्छा, इस एरा को हम एज ऑफ मिल्टन क्यों कहते हैं, क्योंकि जो जॉन मिल्टन थे उन्होंने उनकी बहुत फेमस बुक थी पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज लॉस्ट एंड पैराडाइज रीगेन्ड, ये कि इन्होंने लिखी थी, जॉन मिल्टन ने लिखी थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है इनका, बहुत फेमस एपिक है, बहुत फेमस वर्क है, इसलिए ये इस एरा के क्या थे, रिप्रेजेंटेटिव थे। बेसिकली ना क्या होता है, एरा का मतलब जो राइटर होता है वो इसलिए इस एक राइटर को किसी भी एरा का रिप्रेजेंटेटिव बना देते हैं। क्यों बना देते हैं, जिस राइटर का उस एरा में, उस पीरियड में सबसे अच्छा वर्क होता था, बहुत फेमस वर्क होता था, या सबसे ज़्यादा जिसने काम किया होता था, उस एरा को उस राइटर से रिप्रेजेंट कर दिया जाता था। तो जॉन मिल्टन को कैरोलाइन एज के लिए, इनको प्यूरिटन एज के लिए, इनको मतलब रिप्रेजेंटेटिव माना गया है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि कैरोलाइन एज का रिप्रेजेंटेटिव राइटर कौन था, तो आपको याद रखना है जॉन मिल्टन थे, ठीक है, भूलना नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और TGT और PGT एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा जॉन मिल्टन जो है
बहुत ज्यादा फेमस है, मतलब बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट प्रोमिनेंट राइटर माना जाता है। इसके बारे में हम आराम से डिस्कस करेंगे, प्लेलिस्ट में आपको इनकी क्लास भी मिल जाएगी, तो बहुत इजी रहेगा आपको, तो आप वहां से देख सकते हैं। द कैरोलाइन एज हैज इट्स टाइम स्पैन ऑफ चार्ल्स फर्स्ट। अभी मैंने आपको बताया जो चार्ल्स फर्स्ट थे, किसके बेटे थे ये, जेम्स फर्स्ट के, जो हमारा जेकोबियन एरा था उसके जो किंग थे जेम्स वन, उनके बेटे थे चार्ल्स फर्स्ट, जिन्होंने क्या किया था, जिन्होंने कैरोलाइन पीरियड में रूल किया था। 1625 में वो गद्दी पे बैठे थे, 1649 में उनको बीहेड कर दिया गया था। द नेम चार्ल्स डेराइव्ड फ्रॉम लेटिन वर्ड, अभी मैंने बताया कैरोलिस लेटिन वर्ड है, उससे ही चार्ल्स जो नाम था, कैरोलाइन जो नाम था वो रखा गया था। आफ्टर द डिमाइस ऑफ जेम्स फर्स्ट, जब जेम्स फर्स्ट की डेथ हो गई थी तब चार्ल्स फर्स्ट गद्दी पे बैठे थे, वो राजा बन गए थे 1625 में, एंड 1649 में ही वॉज एग्जीक्यूटेड और बीहेडेड एज अ रिजल्ट ऑफ प्यूरिटन अपराइजिंग अंडर द लीडरशिप ऑफ ऑलिवर क्रॉमवेल। अभी मैंने आपको बताया ऑलिवर क्रॉमवेल कौन थे, प्यूरिटन थे, ये प्यूरिटन को सपोर्ट करते थे, पार्लियामेंट के लीडर थे ये, इनके द्वारा या इनकी हेल्प से, कुछ भी आप कह सकते हैं, इनके ऑर्डर्स से जो हमारे किंग चार्ल्स फर्स्ट थे उनको एग्जीक्यूट करा दिया गया था, उनको मरवा दिया गया था। क्यों मरवा दिया गया था यह हम आगे डिस्कस करेंगे। द एज ऑफ चार्ल्स फर्स्ट, द एज ऑफ चार्ल्स फर्स्ट इज ऑल्सो नॉन एज द पीरियड ऑफ कैरोलाइन पीरियड, इसके नाम से जाना जाता है, नोन एज द कैरोलाइन पीरियड। अभी बताया एंड ड्यूरिंग दिस स्पैन ऑफ टाइम द स्पिरिट ऑफ रेनेसां बिगेन डिक्लाइनिंग। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है और एग्जाम में पूछा जाता है, जो लेट रेनेसां पीरियड है वो कौन सा माना जाता है, हमारा कैरोलाइन पीरियड माना जाता है। और राइज जो था रेनेसां का वो कहाँ पे हुआ था, कहाँ से शुरू हुआ था रेनेसां, रेनेसो एलिजाबेथन एरा में पीक पे था, आपको ये याद रखना है, एलिजाबेथन एरा में रेनेसो हमारा पीक पे था, कैरोलाइन पीरियड में डिक्लाइन हो रहा था, ऑलमोस्ट खत्म हो गया था। क्यों खत्म हो गया था, ड्रामा के फॉल के बाद। एलिजाबेथन एरा में ड्रामास को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी, कैरोलाइन पीरियड में ड्रामा जो था उसको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी। बेसिकली 1642 में थिएटर्स भी बंद करवा दिए गए थे, ड्रामा बंद हो गया था। ये क्यों बंद हुआ था आगे डिस्कस करेंगे। बेसिकली आपको इतना याद रखना है कि जो स्पिरिट ऑफ रेनेसो यानी कि रेनेसो था वो डिक्लाइन हो रहा था, गिर रहा था कैरोलाइन पीरियड में। द पीरियड इज वेरी फ्रूटफुल इन टर्म्स ऑफ इट्स क्रिएटिव राइटिंग्स। अब कौन कौन सी वो क्रिएटिव राइटिंग्स और कौन कौन से वो क्रिएटिव राइटर्स थे इस एरा के, जैसे कि हमारे जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन बहुत फेमस एंड प्रोमिनेंट राइटर है, आपको याद रखना है, इनके बारे में बहुत कुछ है जो एग्जाम में पूछा जाता है, वो हम डिस्कस करेंगे। ही स्टार्टेड हिज राइटिंग इन दिस पीरियड, इन्होंने इस पीरियड में अपना लिखना शुरू किया था। अब जॉन मिल्टन ने बेसिकली इसमें लिखा क्या था, दिस एज इज टाइम फॉर रिलीजियस पोइट। अब इस टाइम पीरियड में रिलीजियस पोइट भी बहुत ज्यादा थे। अच्छा क्यों थे, क्योंकि ये लोग रिलीजन पे बहुत ज्यादा लिखते थे। जॉन मिल्टन किस पे लिखते थे, सिन, प्लेजर, फॉल, इन सब चीजों पे लिखते थे, सालवेशन, इन सब चीजों पे लिखते थे। जैसे उनकी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉवल अभी वर्क मैंने आपको बताया, पैराडाइज लॉस्ट, इसमें कहीं ना कहीं मतलब ये प्यूरिटन्स से इन्फ्लुएंस्ड भी दिखाए गए हैं, क्योंकि इन्होंने सिन और प्लेजर के ऊपर लिखा है। जो प्यूरिटन्स थे उनकी विचारधारा, उनकी सोच, थिंकिंग, बिलीफ कैसे थे, उनके बिलीफ थे जो प्लेजर होता है, वर्ल्डली प्लेजर क्या माना गया था, सिन माना गया था। जो वेमेन थी, वेमेन और वाइन, इन चीजों को भी सिन माना गया था और इनको बैन करने की कोशिश की गई थी। ठीक है, कब की गई थी, प्यूरिटन एज में की गई थी, ये आपको याद रखना है। इसी वजह से चार्ल्स वन को बिहेड करवा दिया गया था। जॉर्ज हर्बर्ट एंड द प्रोज राइटर्स रॉबर्ट बर्टन एंड सर थॉमस ब्राउन, अपार्ट फ्रॉम द कैवेलियर पोइट्स, इसी में हमारे कैवेलियर पोइट्स भी थे। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया कैवेलियर पोइट्स वो पोइट्स थे जो इन्फ्लुएंस्ड थे, किससे, चार्ल्स फर्स्ट से इन्फ्लुएंस्ड थे।
क्यों इन्फ्लुएंस थे, मतलब उनके सपोर्टर्स थे वो, जैसे हमारे कौन कौन से कैवेलियर राइटर्स थे, रॉबर्ट हेरिक, रिचार्ड लवलेस एंड सर जॉन सकलिंग। अच्छा, ये आपको एक क्वेश्चन इसमें से भी पूछा जाता है, याद रखिएगा, कैवेलियर पोएट्स को हम सन्स ऑफ बेन भी कहते हैं। बेन का क्या मतलब है? बेन जॉनसन, जो हमारे बेन जॉनसन थे, विलियम शेक्सपियर के जो कंटेम्पररी थे बेन जॉनसन, इनको क्या कहा जाता है? कैवेलियर पोएट्स को सन्स ऑफ बेन भी कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पहले पूछा गया था। पॉलिटिकल अनरेस्ट एंड सिविल वॉर, ये भी इसी टाइम पे था। अच्छा, ये आपको याद रखना है, सिविल वॉर हमारा कैरोलाइन पीरियड में भी था, मतलब कैरोलाइन पीरियड में भी सिविल वॉर हुआ था। अब किन किन के बीच ये वॉर हुई थी? ये जो वॉर थी, ये एक तो कैवेलियर्स के बीच हुई थी और एक राउंड हेड्स के बीच हुई थी। अच्छा, अब कैवेलियर्स कौन थे? अभी मैंने आपको बताया, जो चार्ल्स फर्स्ट थे ये उनके सपोर्टर थे, ये चार्ल्स फर्स्ट को सपोर्ट करते थे कैवेलियर्स। और जो राउंड हेड्स थे ये किसको सपोर्ट करते थे? पार्लियामेंट को सपोर्ट करते थे, यानी कि ओलिवर क्रॉमवेल, ये ओलिवर क्रॉमवेल के सपोर्टर्स थे। जब कैवेलियर्स और राउंड हेड्स में फाइट हुई थी तब सिविल वॉर हुआ था। उसमें क्या हुआ था, इसका नतीजा क्या निकला था सिविल वॉर का? हमारे जो चार्ल्स फर्स्ट थे उनको मरवा दिया गया था, उनकी गर्दन कटवा दी गई थी। तो बेसिकली आपको याद रखना है, ये फाइट किनके बीच थी? कैवेलियर्स एंड राउंड हेड्स के बीच थी। द क्राइसिस स्टार्टेड व्हेन जेम्स फर्स्ट, हु रिक्लेम्ड द राइट ऑफ रॉयलिटी फ्रॉम एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट एंड सपोर्टेड द डिवाइन राइट वाइल इग्नोरिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ पार्लियामेंट। अब इसमें क्या हुआ था, जो जेम्स फर्स्ट थे यानी कि चार्ल्स फर्स्ट के फादर, वो क्या करते थे? पार्लियामेंट को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते थे, उनके जो रूल्स रेगुलेशंस उनकी पॉलिसीज थी उनको क्या करते थे? इग्नोर करते थे। ठीक है, ये आपको याद रखना है, उनके पॉलिसीज को बॉयकॉट इन्होंने कर दिया था, किन्होंने? जेम्स फर्स्ट ने। तो जेम्स फर्स्ट को भी मरवा दिया गया था। ठीक है, उसके बाद चार्ल्स फर्स्ट गद्दी पर बैठे थे, इनका जो बेटा था चार्ल्स फर्स्ट। अब चार्ल्स फर्स्ट ने भी सेम काम किया, वो भी ऐसे ही पार्लियामेंट को कुछ नहीं समझते थे, इग्नोर करते थे, और बेसिकली वो वर्ल्डली प्लेजर में ज्यादा इन्वॉल्व हो गए थे, वेमेन वाइन और इन सब चीजों में बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट था उनका। अब इन चीजों में उनका इन्वॉल्वमेंट था, इसलिए ओलिवर क्रॉमवेल यानी कि जो प्यूरिटन्स थे वो क्या करते थे, इनको क्रिटिसाइज करते थे। और उन्हीं की वजह से, मतलब पार्लियामेंट की ही वजह से क्या हुआ था, चार्ल्स वन को मरवा दिया गया था। द प्यूरिटन्स इन्फ्लुएंस द इंग्लिश मिडिल क्लास। अब जो प्यूरिटन्स थे उन्होंने इंग्लिश मिडिल क्लास को इन्फ्लुएंस किया था, कब? जेम्स फर्स्ट के टाइम पे, जो रेन ऑफ जेम्स फर्स्ट, जेम्स फर्स्ट का जो रूलिंग पीरियड था उसमें उन्होंने क्या किया था, इंग्लिश मिडिल क्लासेस को प्यूरिटन्स ने इन्फ्लुएंस अपने अंडर कर लिया था। एंड प्ले अ पावरफुल फोर्स रोल इन द सोशल लाइफ ऑफ द एज एंड इनिशिएटेड द मूवमेंट फॉर सोशल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स। सोशल और कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स यानी कि क्या हुआ था, एक तरफ पार्लियामेंट थी, एक तरफ क्या थे, कैविलियर्स थे, मतलब कैविलियर्स तो चलो चार्ल्स फर्स्ट, अभी मैं जेम्स के बारे में बता रही हूँ, जेम्स फर्स्ट के सपोर्टर्स थे, और दूसरी साइड कौन थे, हमारी पार्लियामेंट थी। तो उस बीच क्या हुआ था, दोनों में मतभेद हुआ था। क्यों हुआ था? प्यूरिटन्स की वजह से हुआ था, वहां से वो रूट कॉज जो था स्टार्ट हुआ था, मतलब वो रूट कॉज था, और वो आते आते चार्ल्स वन तक चला, जिसकी वजह से चार्ल्स वन की भी डेथ हो गई थी। अब जो उनकी हॉस्टैलिटी थी, या आप एट्रोसिटीज बोल सकते हैं, विच बिगेन इन 1642, कब शुरू हुई थी? 1642 में, जब क्या हुआ था, थिएटर्स को क्लोज करवा दिया गया था, जो ड्रामा था उसको बैन करवा दिया गया था 1642 में। एंडेड विद द बैनिशमेंट ऑफ चार्ल्स वन, कब तक ये चला था? चार्ल्स वन के बैनिशमेंट तक, उनके मरवाए जाने तक ये जो इनका थिएटर वाला सीन चला था, ये चला था मतलब 1649 तक। अब 1649 के बाद क्या हुआ था, चार्ल्स फर्स्ट की डेथ हो गई थी, और कौन सत्ता में आ गया था, किसने रूल किया था, प्यूरिटन्स ने रूल किया था। देयर वॉज अ ग्रेट पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ड्यूरिंग 1649 एंड 1660, ऑब्वियसली क्योंकि प्यूरिटन्स आ गए थे तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी उस टाइम पे। एंड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द कॉमनवेल्थ अंडर द लीडरशिप ऑफ ऑलिवर क्रॉमवेल, ये आपको याद रखना है।
ये प्यूरिटन्स के लीडर थे ऑलिवर क्रॉमवेल। इनके थ्रू ही ये कॉमनवेल्थ एरा, कॉमनवेल्थ पीरियड, मतलब जो एरा, इसको कॉमनवेल्थ का नाम रखा गया था ऑलिवर क्रॉमवेल की, मतलब इनकी वजह से। बट द पॉलिटिकल क्योस एंड वॉलेटिलिटी एंडेड विद द रेस्टोरेशन ऑफ किंग चार्ल्स सेकेंड इन 1660। अभी जो पॉलिटिकल क्योस था ना, ये खत्म हो गया था, रिस्टोर हो गया था। क्यों, किसके थ्रू? जब किंग चार्ल्स टू आए थे। अभी किंग चार्ल्स टू कौन थे? बेसिकली क्या हुआ था ना, जब किंग चार्ल्स फर्स्ट को मरवा दिया गया था, तो जो चार्ल्स सेकेंड थे, यानी कि जो चार्ल्स फर्स्ट के बेटे, चार्ल्स फर्स्ट के क्या थे, बेटे थे चार्ल्स सेकेंड, ये इन्होंने इंग्लैंड छोड़ दिया था और ये यहाँ से चले गए थे। इन्होंने एग्जाइल ले लिया था, ये चले गए थे क्योंकि इनके फादर को मरवा दिया गया था, तो इनको अपनी भी लाइफ के ऊपर एक थ्रेट लग रहा था। लेकिन क्या हुआ था, जब प्यूरिटन्स आ गए थे, ऑलिवर क्रॉमवेल, ये सब इन्होंने रूल करना शुरू किया था, तब क्या हुआ था, किंग चार्ल्स, अब आपको एक बात याद रखनी है, ऑलिवर क्रॉमवेल की डेथ हो गई थी 1658 में। ऑलिवर क्रॉमवेल मर गए थे 1658 में। उसके बाद गद्दी किसने संभाली? रॉबर्ट क्रॉमवेल ने, ऑलिवर क्रॉमवेल के बेटे ने। और फिर उन लोगों ने क्या किया, किंग चार्ल्स सेकेंड, यानी कि चार्ल्स सेकेंड जो चार्ल्स फर्स्ट के बेटे थे, उनको दोबारा इन्वाइट किया इंग्लैंड में, और फिर गद्दी पर बैठे थे 1660 में चार्ल्स सेकेंड। ये हमारी हिस्ट्री है, तो ये भी आपको पता होनी चाहिए, इसलिए मैंने आपको बता दी है। अब कैरोलाइन पोएट्स कौन कौन थे, कैरोलाइन पीरियड के पोएट्स कौन कौन थे? जॉन मिल्टन, ऑब्वियसली, क्योंकि ये तो रिप्रेजेंटेटिव थे इस एज के। कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ दिस एज आर इनकम्प्लीट विदाउट मैंशनिंग जॉन मिल्टन्स कॉन्ट्रीब्यूशंस टू द लिटरेचर। मिल्टन अ प्योरिटन पोएट एंड इज अ क्लासिस्ट एंड ह्यूमैनिस्ट इन नेचर। अभी क्या थे, हमारे प्योरिटन पोएट थे मिल्टन। अभी मैंने आपको बताया इनकी पैराडाइज लॉस्ट किस पे बेस्ड है, सिन, प्लेजर, साल्वेशन, फॉल, इन्हीं के ऊपर तो बेस्ड है। और यही क्या थे, यही विचारधारा थी प्योरिटन्स की, ठीक है, ये आपको याद रखना है। He was a passionate lover of beauty. किसके बारे में बोला गया है, जॉन मिल्टन के बारे में बोला गया है। And delighted in the things that his eyes pleased. He wrote early poems including on the morning of जो हमारे जीसस क्राइस्ट थे उनके ऊपर लिखी थी इन्होंने, on the morning of Christ's nativity. Most important है, याद रखना है। He was just 21. जॉन मिल्टन सिर्फ 21 साल के थे जब इन्होंने ये पोएम लिखी थी, ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी, 1629 में लिखी थी। एल एलिगेरा 1645 में, एंड टू पेनेरेसो 1645 में, ये आपको याद रखनी है। इनकी ये दो और इन्होंने वर्क्स लिखे थे विच एग्जिबिट द इटर्नल ब्यूटी। तो कौन कौन सा वर्क हो गया, ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी, एल एलिगेरा एंड टू पेनेरोसो, ठीक है, याद रखना है। लाइसीडियस, ये भी इनका वर्क था, मोस्ट फेमस है, इसके ऊपर तो कुछ लाइंस भी एग्जाम में दी गई थी। ये जो इनकी वर्क थी, इनकी एलिजी थी, पेस्टोरल एलिजी थी, इसमें से क्या हुआ था, कुछ लाइंस दी गई थी और आपको आइडेंटिफाई करना था कि ये लिखी किसने थी, ठीक है, मतलब ये पोएम लिखी किसने थी। अच्छा, पेस्टोरल एलिजी क्या होता है, ये मैंने आपको समझाया था, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी इसकी क्लास। मैंने समझाया था एलिजी क्या होती है, पेस्टोरल एलिजी क्या होती है। बेसिकली एलिजी क्या होती है, लेमेंट, मतलब जब कोई सोरोफुल ना पोएम होती है, सोरोफुल सॉन्ग होता है, जब किसी की डेथ के ऊपर वो लिखा जाता है, उसे हम एलिजी कहते हैं। तो ये जो पेस्टोरल एलिजी थी, ये जॉन मिल्टन ने लिखी थी। क्यों लिखी थी, क्योंकि उनका बहुत खास दोस्त था एक एडवर्ड किंग, उनकी डेथ हो गई थी, उनकी डेथ पे उन्होंने, जॉन मिल्टन ने ये एलिजी लिखी थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिजी है, याद रखना है, 1637 में लिखी गई थी। ही वॉज ड्रॉन ऑन अ वॉयज टू आयरलैंड एक्सप्रेसेस द अनसर्टेनिटी एंड टॉर्मेंट कंडीशन ऑफ मिल्टन्स माइंड, व्हाइल कॉमस एक्सप्रेस प्यूरिटैनिक मोरल जील इन द रेनेसां फॉर्म ऑफ द मास्क। अब कॉमस क्या था, कॉमस पे जॉन मिल्टन का वर्क था, ये जो मास्क वाला वो होता है, MASQUE, ये मैंने आपको बताया था प्रीवियस क्लास में, आपको मिल जाएगा कि मास्क होता क्या है,
प्रीवियस क्लास देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। ये कॉमर्स भी जो हमारे मिल्टन जी थे उनका वर्क था, तो आपको ये भी याद रखना है। बेसिकली बस इतना याद रखिएगा, लाइसीडियस जो थी इन्होंने एलिजी लिखी थी एडवर्ड किंग के लिए। कॉमर्स जो था उसमें इन्होंने क्या लिखा था, जो प्यूरिटैनिक मोरल जील थी ना रेनेसां पीरियड में, उसके ऊपर, मतलब प्यूरिटन्स के ऊपर लिखा था। द पर्पस ऑफ पैराडाइज लॉस्ट इज टू जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन। ये बहुत अच्छी बुक है पैराडाइज लॉस्ट। पैराडाइज लॉस्ट भी जॉन मिल्टन ने लिखी थी, 12 बुक्स में इन्होंने लिखी थी, 12 बुक्स, ठीक है। पैराडाइज रीगेन्ड भी जॉन मिल्टन ने लिखी थी, डिपिक्ट्स क्राइस्ट्स रेजिस्टेंस टू सैटन्स टेम्पटेशंस एंड हिज विक्ट्री ओवर देम एंड सैमसन एगोनिस्टिस। ये भी सैमसन एगोनिस्टिस भी किसने लिखी थी, जॉन मिल्टन ने लिखी थी, ये भी आपको याद रखना है। पैराडाइज रीगेन्ड भी इनका वर्क था। ऑल्सो एम्फेसाइज ऑन द बिब्लिकल एस्पेक्ट्स एंड इन अनडेटेड विद मोरल अर्नेस्टनेस एंड राइट। अच्छा एक याद बात आपको बस इतना सा याद रखना पड़ेगा, सैमसंग एगोनिस्टिस जो थी वो बिब्लिकल एस्पेक्ट्स या बिब्लिकल थीम्स पे लिखी गई थी। जैसे मैंने आपको बताया इस टाइम पीरियड में सबसे ज्यादा वैल्यू किसे दी जाती थी, रिलीजन को दी जाती थी, ठीक है। तो अब आपको ये चीज बेसिकली याद रखनी है, पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज रीगेन्ड, सैमसन एगोनिस्टिस, कॉमर्स, ये सब किसने लिखी थी, जॉन मिल्टन ने लिखी थी। इसके बारे में हम अलग से डिस्कस करेंगे, मैं इन सब बुक्स को, इनके इंपॉर्टेंट लाइंस, कैरेक्टर्स सब आपको मतलब समझाऊंगी, तो आपको क्लियर हो जाएगा इंपॉर्टेंट कोटेशंस वगैरह जो एग्जाम्स में पूछी जाती है। द मेटाफिजिकल पोइट्स, इसी टाइम पीरियड में मेटाफिजिकल पोइट्स भी थे, ये भी मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया है। हैव सेवरल फीचर्स इन कॉमन, देयर फोकस वाज ऑन ईदर एमोरियस और रिलीजियस पोइट्री। किस पे होता था, रिलीजियस पोइट्री पे इनका फोकस होता था, जिसमें क्या होती थी, जो कंसीट होती है ना उसका यूज होता था। जैसे कि मतलब हमारी सोच से परे चीजें लिखी जाती थी, मतलब आउट ऑफ द बॉक्स कुछ लिखा जाता था जो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। द मेटाफिजिकल ऑफ द 17th century कंबाइंड टू थिंग्स, द फैंटास्टिक डायलेक्ट्स ऑफ मेडिवल लव पोएट्री एंड सिंपल सेंशुअस स्ट्रेन कॉट फ्रॉम द क्लासिक्स। अब हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट राइटर मेटाफिजिकल पोएट कौन थे, मेटाफिजिकल पोएट हमारे जॉन डन थे। और मेटाफिजिक्स जो टर्म थी वो किसने इन्वेंट की थी, ये मैंने आपसे प्रीवियस क्लास में क्वेश्चन पूछा था, प्रीवियस क्लास देखिएगा आपको समझ आ जाएगा कि जॉन डन जो मतलब हमारे मेटाफिजिकल पोएट थे, इन्हीं के थ्रू एक टर्म इन्वेंट हुई थी, मतलब इन्होंने नहीं की थी, इन ये जो राइटर थे इनके बेसिस पे ही एक टर्म इन्वेंट हुई थी मेटाफिजिक्स, वो किसने की थी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। द कैरोलाइन एज इज नेम्ड आफ्टर चार्ल्स वन, अभी मैंने आपको बताया कैरोलाइन इज एन एडजेक्टिव ऑफ कैरोलेस। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं, कैरोलेस हमारा लैटिन वर्ड है जिससे हमारा क्या बना था, चार्ल्स बना था। एज ऑफ कैरोलाइन इज एन एज ऑफ पोएट्री ऑफ थ्री काइंड ऑफ स्कूल्स, कितने टाइप के स्कूल्स, थ्री काइंड ऑफ स्कूल्स, अभी बताया मेटाफिजिकल, कैवेलियर एंड प्यूरिटन, ठीक है। प्यूरिटन कौन थे, राउंड हेड्स, राउंड हेड्स, ठीक है। कैवेलियर कौन थे, चार्ल्स फर्स्ट के सपोर्टर, ठीक है, ये याद रखें, सॉरी एक मिनट। तो ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया है। नेक्स्ट प्यूरिटैनिज्म, अब प्यूरिटैनिज्म था क्या, मिल्टन रिप्रेजेंट्स द बेस्ट ऑफ द रेनेसां एंड द प्यूरिटैनिज्म। मिल्टन ने ही बहुत अच्छे से मतलब इस पीरियड को क्या किया है, रिप्रेजेंट किया, भी मैंने आपको बताया। दो आ प्यूरिटन ही वॉज ऑल्सो आ क्लासिस्ट, जो हमारे मिल्टन थे वो भी प्यूरिटन थे। ही वॉज ऑल्सो आ क्लासिस्ट एंड ह्यूमैनिस्ट, ही डिलाइटेड इन एवरी थिंग दैट प्लीज हिज आईज। अभी पीछे बताया मैंने, ही वॉज अ पैशनेट लवर ऑफ ब्यूटी, ही डिड नॉट शेयर द प्यूरिटन कंटेम्प्ट फॉर द स्टेज। ये सब मतलब वो हो रहा है, रिपीट हो रहा है, ये मैंने अभी आपको पीछे बताया प्यूरिटनिज्म के बारे में। हिज पोएट्री इज रिमार्केबल फॉर द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी इनकी पोएट्री की जो बहुत ज्यादा फेमस हो गई थी, मतलब इनका वर्क बहुत ज्यादा फेमस था, इनको रिप्रेजेंटेटिव बना दिया था इस एज का, क्यों, क्या रीजन था। मिल्टन हैड अ नोबल कंसेप्शन ऑफ अ पोएट्स वोकेशन, टू हिम पोएट्री वॉज नॉट अ मेयर इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज और डाइवर्जन, इट वॉज समथिंग सोलोमन सैक्रेड एंड सबलाइम। जो ये वर्क्स लिखते थे कैसे, सोलोमन सैक्रेड और सबलाइम कैसे थे,
पैराडाइज लॉस्ट, आपने पैराडाइज लॉस्ट पढ़ी होगी, कितनी सेक्रेट सब्लाइम, मतलब कैसे इन्होंने लिखी है सिन और प्लेजर पे, गॉड और एक मैन का रिलेशनशिप के ऊपर उन्होंने लिखा है कि कैसे मतलब लोगों की ड्यूटी होती है गॉड की तरफ जो उनको फॉलो करनी होती है, और जो नहीं करता उसका कैसे फॉल होता है, जैसे एडन गार्डन में से उसको बाहर कर दिया गया था, गार्डन ऑफ एडन, ठीक है, ये उनके वेस्ट है। मतलब ये किस पे लिखते थे, जीसस जो क्राइस्ट थे उनके जो उनकी डीड्स थी, उनके मतलब उनका जो भी उस टाइम की सोच थी, बिलीफ थे, वो सब ये इसमें डालते थे, अपने वर्क में रिफ्लेक्ट करते थे। तो बेसिकली इनकी जो वर्क्स थे वो प्यूरिटन्स के ऊपर बेस्ड थे, थीम जो थी वो प्यूरिटन्स के ऊपर बेस्ड थी। ही परस्यूड दिस आइडियल ऑफ पोएट्री ऑल थ्रू हिज लाइफ। मिल्टन्स पोएट्री सब्लाइम एंड मेजेस्टिक, ऑब्वियसली मेजेस्टिक थी। पैराडाइज रीगेन्ड, पैराडाइज लॉस्ट, कॉमर्स, इट इज द एक्सप्रेशन ऑफ अ प्योर माइंड, नोबल माइंड, एनरिच्ड बाय नॉलेज एंड डिसिप्लिन बाय आर्ट। हिज पोएट्री एनोबल्स एंड एलिवेट्स द रीडर्स। लव ऑफ ब्यूटी, ये भी इन मिल्टन के लिए यूज किया है। क्या थे ये, ही वॉज पजेस्ड ऑफ अ डीप सेंस ऑफ ब्यूटी, ही लव्ड ब्यूटी इन ऑल इट्स मैनिफेस्टेशन। अब कौन कौन से इनके वो लव ऑफ ब्यूटी जो इन्होंने दिखाया है अपने वर्क्स में, कौन कौन से वर्क्स थे वो इनके, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। थीम पूछी जाती है, तो थीम क्या थी, लव ऑफ ब्यूटी, किसकी, एल एलिगारो एंड टू पेनेरोसो एंड लाइसीडियस, ठीक है, ये आपको याद रखना है। लाइसीडियस हमारी क्या थी, एलेजी थी, पेस्टोरल एलेजी। अभी जो यूपीएससी एसएसबी टीजीटी का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था जो लाइसीडियस था वो कौन सी एलिजी थी, तो इसका आंसर क्या था, पेस्टोरल एलिजी थी, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द ब्यूटी ऑफ वर्च्यू अट्रैक्टेड हिम, इट फाउंड इट्स अर्लिएस्ट आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन इन कॉमर्स। कॉमर्स ये मैं आपको अच्छे से क्लियर करवाऊंगी, पूरी जो बुक इनका जो ये वर्क था कॉमर्स, इसे हम डिटेल में पढ़ेंगे, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसकी भी लाइंस दी गई थी एग्जाम में। हिज लास्ट थ्री वर्क्स, अब ये आपको याद रखना है, जो जॉन मिल्टन थे उनके लास्ट थ्री वर्क्स कौन कौन से थे, क्योंकि राइटर्स का जो स्वान सॉन्ग कहते हैं, लास्ट वर्क कहते हैं, वो पूछा जाता है एग्जाम में। तो कौन कौन से तीन वर्क्स थे इनके, पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज रीगेन्ड एंड सैमसन एगोनिस्ट। पता है क्या बोला जाता है, जो पैराडाइज रीगेन्ड था ना, वो इनका वर्क जो था वो अधूरा रह गया था, क्योंकि उससे पहले जॉन मिल्टन की डेथ हो गई थी। एक्सप्रेस हिज लव फॉर ब्यूटी एंड, ठीक है, इसमें वही सब है, प्यूरिटनिज्म के ऊपर इन्होंने बताया है, द मेटाफिजिकल पोइट्स, ये मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया है, बाकी फिर से डिस्कस कर लेते हैं, क्लियर हो जाएगा अच्छे से। अ न्यू काइंड ऑफ पोएट्री, एक अलग टाइप की पोएट्री होती है, नोन एज अ मेटाफिजिकल पोएट्री, बिगेन विद जॉन डन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, जॉन डन मेटाफिजिकल पोइट्स के मतलब बहुत फेमस है मेटाफिजिकल पोइट्स में। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय मच जेन्युइन पोएटिक फीलिंग, हार्श मीटर्स एंड दोस ट्रेंड एंड विम्सिकल इमेज एंड टर्म्स ऑफ स्पीच विच आर कॉल्ड कंसीट्स। जिसे भी मेटाफिजिकल के बारे में नहीं पता है, प्रीवियस क्लास देख लीजिएगा प्लीज। डंस वर्क्स इंक्लूड सटायर्स, सॉन्ग्स एंड सोनेट्स एंड एलिजीज, ये भी मैंने क्लियर किया है, सटायर्स, सॉन्ग, सोनेट्स और एलिजीज क्या होती है। अब जॉन के जो वर्क, डन के जो वर्क थे वो इन्हीं चीजों पे बेस्ड थे। हिज पोएट्री इज क्लासिफाइड इन टू थ्री कैटेगरीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, थ्री टाइप की कैटेगरीज जो कि हमारे जॉन डन की थी, कौन कौन सी थी, एमोरस, रिलीजियस एंड सटायरिकल, याद रखिएगा। सटायरिकल किस चीज पे इन्होंने सटायर किया था, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, जो इन्होंने सटायर किया था, जो ये सटायरिकल वर्क्स लिखते थे जॉन डन, क्या बेसिस था जिसपे सटायर करते थे। जैसे हमारे जोनाथन स्विफ्ट के बारे में आपने सुना है, वो चर्च जो था, जो चर्च होता है उसपे वो मतलब सटायर करते थे, और उनपे जो थी उनकी पोएट्रीज होती थी, उनके वर्क्स होते थे जहाँ पे वो चर्च को अपना मतलब मुद्दा बना के उसपे सटायरिकल वर्क्स या पोएम्स लिखते थे, क्योंकि उस टाइम पे क्या होता था ना, सॉरी उस टाइम पे जो हमारी जोनाथन स्विफ्ट के टाइम पे मतलब जो वर्क्स लिखते थे उनमें ऐसा होता था, जो चर्च के पादरी या प्रीस्ट जिनको हम कहते हैं वो अपने हिसाब से प्रीच करते थे, और लोगों का एक्सप्लोइटेशन होता था, क्योंकि वो बाइबल में जो होता था वो नहीं करते, वो प्रीच नहीं करते थे, अपनी मर्जी से कुछ ऐसा मतलब इन्फ्लुएंस करने के लिए, अपने अंडर लोगों को करने के लिए, उनका एक्सप्लोइटेशन के लिए ऐसी प्रीच देते थे कि तुम ये करोगे तो भगवान तुम्हारे लिए ये करेगा,
तो जो नीचे की जो मिडिल क्लास लोग थे या उससे भी लोअर मिडिल क्लास लोग थे, वो लोग सफर करते थे, तो इसलिए उन्होंने चर्च पे सटायर किया था जोनाथन स्विफ्ट ने। हिज पोएट्री रिवील्स आर डेप्थ ऑफ फिलोसफी। फिलोसफिकल चीजें तो ये लिखते ही थे जॉन डन। आपको ये सब चीजें याद रखनी है, बेसिकली आपको इतना याद रखना है, मेटाफिजिकल पोएट जो हमारे वो थे कौन थे, जॉन डन थे। द फॉलोइंग आर देयर चीफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री। मेटाफिजिकल फैंटास्टिक कंसीट्स, अभी मैंने आपको बताया कंसीट्स का यूज होता था। ट्रीटमेंट ऑफ द इनवर्ड्स, ये सब आप प्रीवियस क्लास में देखिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। द मेटाफिजिकल्स डील नॉट सो मच विद द आउटवर्ड वर्ल्ड, मैन, नेचर एंड ह्यूमन लाइफ एज विद वॉट पास्ड इन देयर ओन माइंड। इसमें ना क्या होता था, बेसिकली मेटाफिजिकल वर्क्स जो थे वो ऐसे वर्क्स थे जो आउट ऑफ द बॉक्स थे, मतलब आप अपनी इमेजिनेशन वहां तक पहुंचा भी नहीं पाते। राइटर ऐसा कुछ लिख देता था कि आपकी जो अंदर से वो बोलते हैं ना वॉइस आती थी, वाओ व्हाट अ वर्क, ऐसे आपको लगेगा, मतलब पढ़ के ऐसे लगेगा। द एलिजाबेथियन इवन व्हेन पर्सनल डेल्ट विद व्हाट वाज बट कॉमन एक्सपीरियंस, बट द मेटाफिजिकल्स लिव्ड इन द वर्ल्ड ऑफ देयर ओन फैंसी, अपने खुद के वर्ल्ड में, फैंसी वाले वर्ल्ड में, फैंसी इन द सेंस इमेजिनेटिव वर्ल्ड वर्ल्ड में वो रहते थे एंड स्पीक ऑफ दैट ओनली, और सिर्फ उसी चीज के बारे में वो बात किया करते थे। दिस मेक्स देयर थॉट नॉवल एंड स्टार्टलिंग। एज अ चाइल्ड वॉगन सेज इन द रिट्रीट ही हैड ग्लिम्पसेस ऑफ हिज पेरिनेटल एग्जिस्टेंस टू विच ही लॉन्ग्स टू गो। किसके लिए है, मिल्टन के लिए लिखा, जॉन डन के लिए लिखा गया था। अ मॉन्स्ट्रस हाइपरबल्स, ये सब चीजें इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो इतना आपको डिटेल में नहीं पढ़ना है, ये वैसे मैंने स्लाइड डाल दी थी इसमें, तो इतना डिटेल में पढ़ना नहीं है इसके बारे में, बस थोड़ा बहुत याद रखना है कि मेटाफिजिकल होता क्या है। द कैवेलियर पोएट्स, ये मैंने अभी आपको प्रीवियस क्लास में बताया था, चार्ल्स फर्स्ट के सपोर्टर्स थे, उनसे इन्फ्लुएंस थे। अ ग्रुप ऑफ इंग्लिश पोएट्स एसोसिएटेड विद चार्ल्स फर्स्ट एंड हिज एग्जाइल्ड सन, कौन थे उनके एग्जाइल्ड सन, चार्ल्स सेकेंड। ओके, याद रखना है। मोस्ट ऑफ देयर वर्क वॉज डन बिटवीन 1637 से 1660 के, इनके ज्यादा मतलब ये कैवेलियर पोएट जो थे वो 1637 से 1660 के बीच के ज्यादा वर्क्स लिखते थे। देयर पोएट्री एम्बॉडेड द लाइफ एंड कल्चर ऑफ अपर क्लास प्री कॉमनवेल्थ इंग्लैंड। प्री कॉमनवेल्थ इंग्लैंड से क्या मतलब है, कैरोलाइन पीरियड है इसका मतलब, प्री कॉमनवेल्थ इंग्लैंड, क्योंकि कॉमनवेल्थ इंग्लैंड क्या था, प्यूरिटन्स का इंग्लैंड था। दे मिक्स सोफेस्टिकेशन विद नेवेट एलिगेंस विद रेसिनेस। तो आपको ये चीज याद रखनी है कि प्री कॉमनवेल्थ इंग्लैंड के मतलब टाइम की पोइट्री, मतलब उन चीजों के ऊपर बेस्ड वो लिखते थे कैवेलियर पोइट्स। राइटिंग ऑन द कॉर्टली थीम्स ऑफ ब्यूटी, लव एंड लॉयलिटी, ये इनकी थीम होती थी। दे प्रोड्यूस्ड फाइनली फिनिश्ड वर्सेस एंड एक्सप्रेस्ड विद विट एंड डायरेक्टनेस। The poetry reveals their indebtedness to both Ben Jonson. अभी मैंने आपको पीछे बताया Ben Jonson को son of Ben भी कहा जाता है, sons of Ben and John Donne, ये क्या करते थे, Ben Jonson और John Donne से मतलब influence थे। The leading cavalier poets were, अब कौन कौन से वो cavalier poets थे, Robert Herrick, Richard Lovelace, son John Suckling and Thomas Carew. द मोस्ट कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैवेलियर पोइट्री इज इट्स यूज ऑफ डायरेक्ट लैंग्वेज। डायरेक्ट लैंग्वेज होती थी, ज्यादा डिटेल में कुछ नहीं पढ़ना है, बस ये पढ़ना है, डायरेक्ट लैंग्वेज होती थी विच एक्सप्रेसेज अ हाईली इंडिविजुअलिस्टिक पर्सनैलिटी। इन मोर डिटेल द कैवेलियर्स व्हाइल राइटिंग एक्सेप्ट द आइडियल ऑफ रेनेसों, आइडियल ऑफ रेनेसों क्योंकि रेनेसों पीरियड तो उस टाइम पर चल रहा था। जेंटलमैन हु इज एट वंस अ लवर, अ सोल्जर, विटी, अ मैन ऑफ अफेयर्स, अ म्यूजिशियन एंड अ पोइट, बट अबैंडन द नोशन ऑफ हिज बीइंग ऑल्सो अ पैटर्न ऑफ क्रिश्चियन। अच्छा, ये मैंने आपको बताया था प्रीवियस टू प्रीवियस क्लास में, मैंने आपसे एक क्वेश्चन किया था, जो इनके कैवेलियर पोइट्स थे इनका एक हेड माना गया था कैवेलियर पोइट्स का, वो कौन थे आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा। दे वर द सब्जेक्ट ऑफ रिलीजन अपार्ट फ्रॉम मेकिंग वन टू टू ग्रेसफुल स्पीच। अब ये क्यों करते थे, रिलीजन के सब्जेक्ट को ये इग्नोर करके और चीजों पे क्यों लिखते थे, क्योंकि ये किसका मेन मुद्दा होता था, प्यूरिटन्स का होता था, लेकिन ये किसके सपोर्टर्स थे, चार्ल्स फर्स्ट के सपोर्टर्स थे। दे ट्रीट लाइफ कैवेलियरली इंडीड एंड समटाइम्स दे ट्रीट
पोएटिक कन्वेंशन कैवेलियरली टू। लेट्स सम अप। अब जो हमने पढ़ा है बेसिकली वो था क्या, अब देखिए कैरोलाइन के फीचर्स हमने अभी मैंने आपको क्या बताया, कैवेलियर पोएट्स कैरोलाइन में, और हमारे क्या थे राउंड हेड्स और कैवेलियर्स के बीच क्या था, सिविल वॉर हुई थी, यानी कि जो हमारे ओलिवर क्रॉमवेल थे, ओलिवर क्रॉमवेल एंड चार्ल्स फर्स्ट के बीच सिविल वॉर हुआ था। मेटाफिजिकल पोएट्री के बारे में भी हमने इसमें पढ़ा, उसके भी फीचर्स वगैरह उनके बारे में कि इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट था। मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोएट्री थ्रू थॉरली एंड कैवेलियर पोएट्री इन इट्स एंटायरली, क्या था इसमें मेटाफिजिकल स्कूल एंड कैवेलियर पोएट्री, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। मेटाफिजिकल और कैवेलियर पोएट्री जो थी हमारी वो किससे थी, कैरोलाइन एज यानी कैरोलाइन पीरियड से रिलेटेड थी। कैरोलाइन एज इज द एज ऑफ पोएट्री, ऑब्वियसली मैंने आपको क्या बताया था अभी प्रीवियस स्लाइड में, 1642 में थिएटर्स को क्लोज करवा दिया गया था, यानी कि ड्रामा जो था वो बैन हो गया था प्यूरिटन्स की वजह से, ओलिवर क्रॉमवेल की वजह से। तो कैरोलाइन एज हमारी क्या थी, एज ऑफ पोएट्री, लिरिकल वर्क्स को ज्यादा वैल्यू दी जाती थी, बिकॉज पोएट्स होल हार्टेडली डिवोटेड टू राइटिंग पोएट्री, पोइट्री ज्यादा लिखी जाती थी, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। दे आर वेरी फ्यू राइटर्स हु टेंड टू राइट प्लेज। अ पोइट्री हैज बीन रिटन ऑन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड लव एस्पेक्ट्स, ये आपको याद रखना है, इन बेसिस पे, इन चीजों पे पोइट्री लिखी जाती थी। नेवरदलेस इट इज अ हाईली प्रोडक्टिव एज इन टर्म्स ऑफ इट्स क्रिएटिविटी, हाईली प्रोडक्टिव एज थी क्योंकि क्रिएटिविटी के ऊपर, मतलब क्रिएटिव राइटर्स बहुत ज्यादा थे इसमें, क्रिएटिव वर्क्स बहुत लिखे गए थे लिटरेचर में, एज वेल एज पोएट्स एक्सपेरिमेंटेड विद डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ राइटिंग्स एंड नैरेटिव टेक्निक्स विच आर क्वाइट सक्सेसफुल। क्लियर हो गया इतना आपको? अब थोड़ा सा इसको दोबारा से मतलब मगअप कर लेते हैं कि इंपॉर्टेंट क्या था। चार्ल्स वन जो कैरोलस थे, लैटिन वर्ड उससे चार्ल्स फर्स्ट, उनके बारे में बताया गया है, जो कि क्या था चार्ल्स जो नाम है वो कैरोलिस से बना है, ठीक है। प्यूरिटन एज 1620 से 1660, ये हमारी प्यूरिटन एज मानी गई है, 1625 भी कहीं कहीं लिखा जाता है, पर जो मैं सजेस्ट करूंगी वो 1625 है क्योंकि एग्जाम्स में इसी को वैलिड माना जाता है। कॉमनवेल्थ पीरियड यानी कि प्यूरिटन इंटरेग्नम, अच्छा ये इंटरेग्नम क्यों है, क्योंकि प्यूरिटन एज के बारे में, प्यूरिटन्स का राज हुआ था यहाँ पे कब, 1649 से 1660, ओलिवर क्रॉमवेल, ओलिवर क्रॉमवेल की डेथ कब हुई थी, 1658, ये आपको याद रखना है जो मैं बता रही हूँ, टाइम 1658 में ओलिवर क्रॉमवेल की डेथ हुई थी। 1660 में चार्ल्स टू को इनवाइट किया गया था इंग्लैंड में दोबारा, किसके थ्रू, रॉबर्ट क्रॉमवेल के थ्रू। रॉबर्ट क्रॉमवेल कौन थे, ओलिवर क्रॉमवेल के बेटे थे, ठीक है, आपको ये याद रखना है। कैवेलियर्स एंड राउंड हेड्स के बीच सिविल वॉर यानी कि लड़ाई हुई थी, जो सिविल वॉर बन गई थी। कैवेलियर्स सपोर्टर्स थे चार्ल्स फर्स्ट के, राउंड हेड सपोर्टर्स थे पार्लियामेंट के यानी कि ओलिवर क्रॉमवेल के, प्यूरिटन्स के। कैवेलियर पोएट्स को हम सन्स ऑफ बेन भी कहते हैं, रिचार्ड लवलेस, जॉन सकलिंग, रॉबर्ट हैरिक एंड थॉमस कैरियू, याद रखिएगा। अब क्या था, 1642 थिएटर वर क्लोज, ड्रामा कोलैप्स, मैंने अभी आपको बताया 1642 में थिएटर्स को बंद कर दिया गया था, ड्रामास कोलैप्स हो गए थे और पोएट्री आ गई थी, पोएट्री को ज्यादा वैल्यू दी गई थी। मतलब 1643 लाइसेंसिंग एक्ट, 1649 किंग वॉज बीहेडेड, ये भी मैंने आपको बताया, किंग को मरवा दिया गया था, रिचार्ड ब्रेंटन, ओलिवर क्रॉमवेल्स, रिचार्ड ब्रेंडन ने मरवाया था, किसके ऑर्डर्स पे, ओलिवर क्रॉमवेल के ऑर्डर्स पे, याद रखिएगा। किसने मरवाया था, किसने बीहेड किया था चार्ल्स फर्स्ट को, रिचार्ड ब्रैंडन ने, याद रखिएगा। इंग्लिश कॉलोनीज वर फर्दर एक्सपेंडेड, इंग्लिश कॉलोनीज फिर क्या हुई थी, एक्सपेंड हो गई थी, बढ़ती चली गई थी। ओलिवर क्रॉमवेल इमर्ज एज अ प्यूरिटन लीडर, ये प्यूरिटन लीडर बन गए थे चार्ल्स फर्स्ट को मरवा के, एंड केम टू पावर, और पावर में आए थे 1649 में। 1649 से 1658 तक ओलिवर क्रॉमवेल ने क्या किया था, राज किया था, उसके बाद इनका बेटा रॉबर्ट क्रॉमवेल गद्दी पर आया था और चार्ल्स सेकंड को एग्जाइल, मतलब से चार्ल्स सेकंड को दोबारा बुला दिया गया था इंग्लैंड में, इनवाइट किया था और उनको गद्दी सौंप दी गई थी। कॉमनवेल्थ पीरियड, अब कॉमनवेल्थ पीरियड के बारे में, हाँ इसके बाद कॉमनवेल्थ पीरियड शुरू हुआ था, जैसे प्यूरिटन एज आ गई थी मैंने बताया, कोई मोनार्की नहीं थी, मोनार्की कब आई थी, कॉमनवेल्थ पीरियड के बाद आई थी, रेस्टोरेशन पीरियड में आई थी,
ओलिवर क्रॉमवेल का राज था, प्योरिटन लीडर थे जो कि 1658 में मर गए थे। रिचार्ड क्रॉमवेल सन थे ओलिवर क्रॉमवेल के, जिन्होंने रूल किया 1660 तक। इसके बाद किसने रूल किया था? चार्ल्स सेकंड ने, जो कि चार्ल्स फर्स्ट के बेटे थे। पीपल रियलाइज दैट मोनार्की वॉज असेंशियल फॉर देम। तब लोगों को समझ आया था कि मोनार्की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और ये कब आई थी? रेस्टोरेशन पीरियड में आई थी। ये हम आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में। तो यहाँ पे हमारा ये क्लास खत्म होती है कैरोलाइन एंड कॉमनवेल्थ पीरियड की। जिसने भी प्रीवियस क्लास नहीं देखी है प्लीज प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा, तभी आपको क्लियर होगा, क्योंकि ये हम पूरा सीक्वेंस के साथ में ये एराज पढ़ा रही हूँ। तो एज ऑफ प्यूरिटन हमारा कंप्लीट हो चुका है। कल हम इस पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जिस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, कैरोलाइन एज एंड कॉमनवेल्थ एरा के ऊपर। बाकी आपका कोई भी क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, आप कॉमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप भी आप हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये फाखरा मैम का प्रैक्टिस बैच चल रहा है जो कि 17th of January से स्टार्ट हुआ था। 3 बजे इसकी क्लास होती है यूट्यूब पर, ये आप ले सकते हैं। इसमें मैम क्वांट पढ़ा रही हैं, 1200+ क्वेश्चंस डिस्कस कर रही हैं, और इनके जो पीपीटीज एंड ऑल हैं वो क्लास जो हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पे सेंड कर देती हैं वो, तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं। आप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको इजी रहेगा। ये अभी मैंने आपको बता दिया है, 7 बजे सर का पेड बैच होता है ग्रामर का, 4 बजे फाखरा मैम की क्लास, 5 बजे मेरी लिटरेचर की, देन 6 बजे मैथ्स की क्लास होती है मैम की। बाकी कोई भी क्वेरी हो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, और स्टे कनेक्टेड एंड प्लीज लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।